हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिप एंड चीक टिंट के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से हर लड़की का फेवरेट है, मेरा भी। तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, लेकिन सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं लिप एंड चीक टिंट एट होम। तो मार्केट में जो भी टिंट्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छे हैं वो भी, लेकिन उन्हें एक बार खरीदना तो पॉसिबल है, लेकिन बार बार क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो हम जो आज बनाने वाले हैं वो बहुत ही सस्ते में बन जाता है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मेरा तो फेवरेट है और आई प्रॉमिस उसको बनाने के बाद वो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए गुलाब जल, किसी भी कंपनी का गुलाब जल लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल, किसी भी कंपनी का, लेकिन फ्रेश नहीं लेना, किसी भी कंपनी का। उसके अलावा एक जो सीक्रेट नहीं मेन इंग्रेडिएंट है वो हम एंड में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, उसको करना है मिक्स। इस वाले एलोवेरा जेल की खुशबू बहुत अच्छी है। तो एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद हमने लेना है रोज वाटर। तो आप जितना भी बना रहे हो अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं ले रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून, आप कितना भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया 3 टेबलस्पून। तो मुझे 3 टेबलस्पून थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और डाला है इसमें। तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो वी आर डन विद द मिक्सिंग। अब लास्ट इंग्रेडिएंट, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, बट द मेन इंग्रेडिएंट, तो वो है फूड कलर। तो हमने लेना है, ये मेरे ख्याल से 4 ड्रॉप्स हैं, दिख रहे हैं, 1/2 टेबलस्पून के करीब हमने लेना है फूड कलर और इसमें डालना है। तो आप पिंक, रेड, कोई भी फूड कलर ले सकते हो, मैंने रेड लिया क्योंकि मुझे रेड ज्यादा पसंद है। सो लास्ट इंग्रेडिएंट है कोई भी ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अवेलेबल हो। मैंने आमंड ऑयल यूज़ किया है, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स डालने हैं इसमें आमंड ऑयल के, या किसी भी ऑयल के, या कोई भी सीरम है आपके पास तो वो डालना है। एंड वी आर डन। तो हम करेंगे इसको ट्राई। थोड़ा सा लेना है हाथ में, मैंने बिल्कुल एडिट नहीं करी है, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आप क्लियरली देख सके।
तो आई होप अब आपको भी इस दिन से प्यार हो गया होगा जैसे मुझे है. एकदम से फेसलिफ्ट हो गया. और एक बात याद रखना, इसको यूज़ करने से पहले या तो प्राइमर या तो अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके. बाय बाय. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज मच एज आई लाइक दिस स्टिंट. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो एंड ग्लो. बाय बाय.